हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सिप्रा। मैं आज फैम ब्लीच के हेल्प से कैसे घर पे ही हेयर को हाईलाइट कर सकते हैं वो भी सिर्फ 30 रुपीज़ में, जो कि मैंने किए हैं। और अगर आप लोग पार्लर में जाके हेयर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो एक दो बाल का भी 500 की तरह पे करना पड़ता है और घर पे 30 रुपीज़ में इजीली हो जाएगा हाईलाइट। तो किस तरीके से घर पे कर सकते हो वही आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फैम का 2 ब्लीच लिए जो कि 30 रुपीज़ का है। और आप चाहे अगर डार्क कलर चाहते हैं तो गोल्ड ले सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा गोल्डन कलर आएगा तो आप गोल्ड कलर भी ले सकते हैं। और इसको मिक्स करने के लिए मैं कांच का बाउल ले रही हूँ और आप चाहे तो प्लास्टिक का भी बाउल ले सकते हैं। और इसको देख सकते हैं इसमें जो पैकेट में क्या क्या दिया हुआ है, जो कि क्रीम है, एक्टिवेटर है और जो रैपर था वो रैपर है और एक छोटा सा स्पून है जो कि मिलाने के लिए है, उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए है। तो मैं उसी के हेल्प से इसको निकाल लूँगी जितना भी क्रीम है इसके अंदर। तो दोनों पैकेट में सेम ही है तो मैंने इस वजह से ठीक से दिखाया नहीं, आप लोगों को इस तरीके से दिखाया है स्पीड में करके, जो कि दोनों से मैंने दोनों का क्रीम ले लिए हैं और एक्टिवेटर मैं ले रही हूँ। और दोनों का एक्टिवेटर उतना नहीं लूँगी मैं, थोड़ा सा लेंगे इसका, एक जितना था उतना लेंगे और इससे जो है हाफ लेंगे, जब पूरा नहीं लेंगे। और अगर डार्क कलर चाहते हैं तो पूरा भी ले सकते, बट मैं ज़्यादा डार्क नहीं चाहती हूँ इसी वजह से मैं लाइट हल्का सा कम ले रही हूँ। अब इसको करेंगे मिक्स। तो देख सकते हैं मिक्स में अच्छे से कर ले रही हूँ और अच्छे से मिक्स करें ताकि अच्छे से दोनों क्रीम और एक्टिवेटर जो है मिक्स हो जाए। तो ध्यान रख के जब भी मिक्स करें तो इसको अच्छे से मिक्स कर ले थोड़ा देर। अब ये अप्लाई करने के लिए रेडी हो चुका है। उससे पहले मैं यहाँ का स्पेस जो क्लीन कर लेती हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में, इसी वजह से मैं पट से यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। और ये इसमें जो एक्टिवेटर है इसको रख दूँगी मैं, कभी भी मैनीक्योर पेडीक्योर में यूज कर लेती हूँ तो इसको रख दूँगी। और मैं किस तरीके से मैनीक्योर पेडीक्योर करती हूँ उसका भी वीडियो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल रख देती हूँ और चलिए अब हेयर पर ही अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बाल को अच्छे से कोम करने के बाद 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिए हैं और एक साइड का बाल जो है अच्छे से सिक्योर कर लेंगे क्लेचर की हेल्प से। और मैं थोड़ा थोड़ा एक साइड से ही अप्लाई करूँगी, देख सकते हैं इतना बाल मैंने जहाँ पे मांग निकालती हूँ वहाँ का बाल को हाईलाइट करूँगी पहले, तो उसको निकाल लिए है। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी हैंड की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो हैंड पे ग्लव्स लगाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं पूरे जड़ से नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि जड़ पर ब्लीच नहीं अप्लाई करना चाहिए कि इससे आपका हेयर फॉल भी हो सकता है। इस वजह से आप कभी भी अप्लाई करें तो हेयर के जड़ पे ना, स्कैल्प पे ना अप्लाई करें, हेयर पे ही अप्लाई करें ऊपर ऊपर से। तो मैंने उसको अच्छे से अप्लाई कर लिए हैं और उसके बाद मैं एल्युमिनियम फॉइल पेपर से मैंने उसको कवर कर लिया ताकि इधर उधर भी ना लगे कलर और अच्छे से लगा हुआ रहे। और हाँ, मैं जैसे कि आप लोगों को बताए हैं मैं ज़्यादा कलर नहीं चाहती हूँ पूरे हेयर पे, तो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके ही अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ और आप लोगों को समझा पाऊँ। इसी वजह से मैं पूरा ज़्यादा ज़्यादा करके नहीं अप्लाई कर रही, थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर रही। और अगर आप लोग ज़्यादा करके हाईलाइट करना चाहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा कलर अप्लाई करें, उससे अच्छा सा कलर आएगा। और अगर कलर आप अप्लाई करते हैं तो 2 दिन के बाद ही उसका अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ज़्यादा कलर चाहते तो ज़्यादा करके ब्लीच का क्रीम जो है उसको अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा सा कलर आ जाएगा। और इसके लिए आप फैमिली के मेंबर में किसी का भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको खुद से नहीं हो रहा, बट इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से आप अगर करते हैं तो खुद से ही अच्छे से कलर हो जाएगा और ईजिली कर भी पाएंगे। अगर आप अकेले रहते तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना तो फैमिली में कोई होगा ही जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, जिसके हेल्प से आप हेयर को कलर कर सकते हैं। अब मैं इस साइड का भी बाल जो है ओपन कर ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके बाल निकाल कर अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर एक साइड कर लेते हैं तो इस साइड शायद कम ज़्यादा हो जाए। इसी वजह से मैं इक्वल क्वांटिटी में ही लगा अप्लाई करना चाहती हूँ, जिधर इस साइड जितना उस साइड भी उतना ही, इसी वजह से। तो आप लोग भी इसी तरह से करें। और हाँ, ध्यान रखें थोड़ा थोड़ा करके बाल ही निकाल कर ही अप्लाई करें, ज़्यादा बाल में ना अप्लाई करें वरना जो है अच्छा कलर नहीं आएगा, पूरा बाल में फैल जाएगा तो ना ज़्यादा पता नहीं चलेगा आपका हाईलाइट। तो थोड़ा थोड़ा करके बाल पे करेंगे तो ज़्यादा फैलेगा नहीं और अच्छा भी लगेगा। और अब देख सकते हैं मैं कान के पास से बाल थोड़ा सा ले लिए हैं जहाँ की मैंने पहले भी किए हुए हैं, वो कलर जो है अब रिमूव होने लगा है, बहुत टाइम हो चुका है उसका कलर।
तो इसी वजह से मैं फिर से कर रही हूँ उसी पे कलर, जो कि मुझे चाहिए वहाँ का ही कलर और कहीं का भी नहीं चाहिए। तो इसको मैं डार्क करूँगी, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि इसका अच्छा सा कलर आए, जो कि आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में पता चला हो कितना अच्छा सा कलर है। और मैं दोनों साइड वही उसी तरीके से कर लूँगी। देख सकते मेरा अभी का कलर उतना ज़्यादा लाइट नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का सा है, जो कि बहुत टाइम हो चुका है इसी वजह से। तो मैंने उसके ऊपर से फिर से अप्लाई कर रही हूँ ज़्यादा थिक करके। तो आप लोग अगर अप्लाई दे ऐसा कलर चाहते हैं तो ज़्यादा थिक करके अप्लाई करें तो ऐसा कलर आ तो जाएगा। स्मॉल दो पैकेट ब्लीच के हेल्प से आप 4-5 हेयर को अच्छे से कलर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई किया, इसी वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है। तो पूरा हेयर पर अप्लाई किया, तो पीछे भी अप्लाई कर लिए हैं, जो कि बच गया था तो मैं अप्लाई कर लिए हैं। और अगर ज़्यादा करके करना चाहते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, 2-3 मतलब 4-5 बाल में होगा तो अच्छा सा कलर। तो अगर ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं ब्लीच का। अब इसको हेयर पे 15-20 मिनट रहने देंगे, उसके बाद हेयर को वॉश करेंगे सिर्फ वाटर से, उसके बाद हेयर को अच्छे से कंडीशनर कर लेंगे, उसके बाद 2 दिन के बाद ही हेयर पे शैम्पू अप्लाई करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।